हेलो फ्रेंड्स, एक्सेल अंकुश, एक्सेल फॉर एचआर के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम देखेंगे सम इफ और सम इफ्स के बारे में। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है जिसकी हेल्प से आप कंडीशन के बेसिस पर सम कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कैसे हम सम करेंगे। तो ये नॉर्मल सम नहीं है दोस्तों, ये कंडीशन के बेसिस पे सम है और मैं आपको सिंगल और मल्टीपल कंडीशन के बेसिस पे सम करना बताऊंगा और ये क्यों इम्पोर्टेंट है उसको भी हम देखेंगे। तो मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल लिया है जो कि 700 समथिंग एम्प्लॉइज का ट्रेनिंग रिकॉर्ड है और मैंने यहाँ पर मेंटरिंग और ट्रेनिंग से रिलेटेड 7 डेज के एम्प्लॉय का डेटा लिया है। अलग अलग ट्रेनर्स हैं जो कि एम्प्लॉय आपके ट्रेनिंग करवाए हैं डिफरेंट एम्प्लॉयज को, देन किस जोन में, किस डिपार्टमेंट में करवाया है उनका यहाँ पर रिकॉर्ड है। तो मैं सम इफ क्यों यूज करूंगा, मैं सिंपली सम क्यों यूज नहीं कर सकता, इसमें मैं सबसे पहले आपको समझा कि हम सीखने क्या वाले। देखिए, यहाँ पर मेरे पास डे वन का सारा एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है कि कितने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग कराया गया। तो डे वन में जेम्स ने 882 एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दिया, डे टू में 445 को दिया, डे थ्री में 689 को दिया। इस तरह से नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज को जेम्स ने ट्रेनिंग दिया, क्वालिटी एश्योरेंस के डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग दिया है, नॉर्थ रीजन में ट्रेनिंग दिया है, ठीक है। देन हम बात करेंगे रॉबर्ट की, तो रॉबर्ट ने भी उसी तरह से डिफरेंट एम्प्लॉयज को डिफरेंट कैटेगरी में ट्रेनिंग दिया है, जैसे कि क्वालिटी एश्योरेंस में दिया और इन्होंने मेन में दिया। तो इस तरह से बहुत सारे एम्प्लॉयज ने डिफरेंट एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दिया है डिफरेंट डिपार्टमेंट में डिफरेंट रीजंस में। तो मुझे ये फाइंड करना है कि टोटल जो एम्प्लॉयज ने ट्रेनिंग लिया तो कितने एम्प्लॉयज है जिसमें केवल नॉर्थ रीजन में ही ट्रेनिंग लिया, कितने एम्प्लॉय है जिसने मेन बिल्डिंग में ट्रेनिंग लिया है, कितने एम्प्लॉय जिन्होंने केवल क्वालिटी एश्योरेंस के डिपार्टमेंट में ही ट्रेनिंग लिया है, कितने एम्प्लॉयज है जिसने क्रिएटिव के डिपार्टमेंट में केवल ट्रेनिंग लिया है। तो ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे और ये कैसे आप उसको कैटेगराइज करेंगे, सोचिए। अगर आप सम करते हैं तो आप ये चीज कभी नहीं कर सकते। तो मैं आपको सिंपल ट्रिक बताने वाला हूँ जिसके बेसिस पे आप हर चीजों को इवेल्युएट कर सकते हैं एज पर योर कंडीशन। तो सबसे पहले हम डिपार्टमेंट वाइज कंडीशन को देखेंगे। तो आपको इक्वल टू करना है और मैं टाइप करूंगा फंक्शन जो कि है हमारा सम इफ। तो सम और इफ यानी कि जोड़ो विथ कंडीशन। सम इफ में मेरे पास यहाँ पर तीन डेटा हमको फिल करना है। पहला जो होता है वो रेंज होता है, दूसरा जो होता है वो क्राइटेरिया होता है और तीसरा जो होता है वो होता है सम रेंज। तो रेंज किसका लेंगे, क्राइटेरिया किसका लेंगे और सम रेंज किसका लेंगे, तो सबसे पहले हम लोग इसके बात करेंगे। रेंज आपका कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर आपका कंडीशन है कि आपको नॉर्थ में कितने एम्प्लॉय ने ट्रेनिंग किया है वो निकालना है, तो आपका जो रेंज होगा वो पूरे बिल्डिंग का रेंज होगा। अगर आपको निकालना है कि प्रोडक्ट डेवलपमेंट में कितने लोगों ने ट्रेनिंग किया, तो आपका प्रोडक्ट डेवलपमेंट इस डिपार्टमेंट में, तो ये डिपार्टमेंट आपका रेंज हो गया। इट मींस कि आपका जो कंडीशन है उसके बेसिस पे आपको रेंज देना है। तो मेरा कंडीशन क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस, तो क्वालिटी एश्योरेंस मींस डिपार्टमेंट, तो मेरा रेंज क्या होगा, डिपार्टमेंट। तो मैं सिंपली यहाँ क्लिक करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन से डायरेक्ट मैं नीचे चला जाऊंगा, मैंने आपको ये बता दिया ऑलरेडी। देन फंक्शन मुझे क्या करना है, F4 से फिक्स कर देना है। तो मैं सिंपली इसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। क्यों फिक्स किया, क्योंकि जब आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट का कैलकुलेशन करेंगे तो आपको यही रेंज कैलकुलेट करना है, जब आप मैन्युफैक्चरिंग एडमिन का करेंगे तो आपको यही रेंज कैलकुलेट करना है। तो जब मैं इस रेंज को ड्रैग करूंगा नीचे, तो मुझे चाहिए कि ये जो रेंज है यही बार बार कैलकुलेशन में आए, इसका जो वैल्यू है यही कैलकुलेशन में आए, इसलिए मुझे इसको फिक्स करना होता है। देन कॉमा देंगे हम। क्राइटेरिया मीन्स कि आपका कंडीशन क्या है, तो मेरा कंडीशन मैंने यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि मुझे क्वालिटी एश्योरेंस का डे वन का ट्रेनिंग का लिस्ट, तो मैं इसको फिक्स नहीं कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि जब मैं सेकंड वाले ऑप्शन पे जाऊंगा तो मुझे क्वालिटी एश्योरेंस नहीं, अब मुझे प्रोडक्ट डेवलपमेंट चाहिए, देन मुझे मैन्युफैक्चरिंग एडमिन चाहिए, देन मुझे मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, देन क्रिएटिव चाहिए, तो ये चेंज हो रहा है। तो जो वैल्यू आपका चेंज हो रहा है उसको आपको फिक्स नहीं करना है। देन कॉमा देंगे सम रेंज। सम रेंज मीन्स कि आपका किस डे का आपको कैलकुलेशन करना है, तो डे वन का कैलकुलेशन करना है। तो इस डे वन को मैं क्या करूंगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन करके सिलेक्ट कर लूंगा, देन मैं इसको फिक्स कर दूं, क्योंकि ये जो रेंज है ये सबके लिए क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि सबको आपको डे वन को ही कैलकुलेट करना है पहले वाले के अकॉर्डिंग। देन एंटर कर दीजिए, तो मेरा यहाँ पे रिजल्ट आ गया क्वालिटी एश्योरेंस का। देन सिंपली आपको क्या करना है, ड्रैग कर देना है, तो ये आपका क्या करेगा, सारे का रिजल्ट दे देगा। अब आप इसको कैसे कन्फर्म करेंगे कि ये जो डेटा है ये आपका सही कैलकुलेट हुआ है, सही नहीं कैलकुलेट हुआ है, इसमें कुछ एरर है या नहीं,
तो मैं आपको उसके लिए भी एक तरीका बता देता हूँ। आपका ये जो डेटा है, ये जो टोटल है, ये इस डे वन के टोटल के बराबर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपका अलग अलग है, यहाँ पे बस मैंने कैटेगरी कर दी। तो सिंपली मैं इसको क्या करूंगा, ऐड कर लूंगा। तो सिंपली सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट करके ऑटो सम पर क्लिक कर दीजिए, ये आपका ऐड हो गया 413147। चलिए अब इसके लास्ट में चलते हैं, कंट्रोल डाउन करके डायरेक्ट मैं नीचे चला जाऊंगा और इसको मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूंगा, सिग्मा कर दूंगा और एंटर कर दूंगा। यहाँ पे कितना है, 413147। तो 413147 यहाँ पर भी अवेलेबल है और 413147 यहाँ पर भी अवेलेबल है। इट मींस कि आपका ये जो रिजल्ट है ये सही है। अगर इसमें कोई भी एरर होता तो ये दोनों वैल्यू कभी भी आपका मैच नहीं करेगा, ये हमेशा ध्यान रखिए। अब मैं आपको एक दूसरा तरीका बताने वाला हूँ, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन है, जिसके बेसिस पे आपको कोई सिलेक्शन नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस एक छोटा सा सेटिंग करेंगे और आप क्विकली रिजल्ट फाइंड कर लेंगे बिना इस चार्ट को देखे। जी हाँ दोस्तों, बिना इस चार्ट को देखे ही आप डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। कैसे, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना है, आपको इस टेबल रेंज को सिलेक्ट कर लेना, टेबल रेंज को पूरा सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको फॉर्मूला में जाना है, आपको यहाँ पर क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन करना है। सिलेक्शन पर स्पेशली ध्यान दीजिएगा, कोई एरिया छूटना नहीं चाहिए, कोई ज्यादा सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। देखिए मैंने कहाँ से सिलेक्शन लिया, मैंने इसको सिलेक्ट नहीं किया है, ना ही मैंने एक्स्ट्रा सिलेक्शन किया है, मैंने एग्जैक्टली हेडिंग से सिलेक्शन किया है बॉटम तक। देन मैं फॉर्मूला मेन्यू पे जाऊंगा, फॉर्मूला टैब पर जाऊंगा और आपको क्लिक करना है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन करना है और आप केवल टॉप रो सेलेक्ट करेंगे। अगर और कोई ऑप्शन क्लिक है आपका तो आप सिंपली उसको अनचेक कर देंगे, केवल टॉप रो पर क्लिक रहेगा आपका, चेक रहेगा आपका, देन ओके कर देंगे, हो गया। अब देखिए मैं डे टू का कैसे कैलकुलेट करूंगा, मैं इस टेबल से अब कोई मतलब नहीं है मेरा। मैं सिंपली क्या करूंगा, इक्वल टू करूंगा, मैं सम इफ करूंगा, ब्रैकेट ओपन करूंगा, रेंज, रेंज मींस कि किसका कैलकुलेशन करना है, डिपार्टमेंट का। मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा डिपार्टमेंट, जैसे मैं डिपार्टमेंट टाइप करने जाऊंगा मेरे पास डिपार्टमेंट का एक टेबल का फोटो आएगा, उस पर सिंपली आपको क्लिक करना है। ये आपका, जैसे आपने डिपार्टमेंट लिखा, देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंट क्या हो गया, ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया। देन मैंने कॉमा दिया, कॉमा देने के बाद क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मेरा ये वाला है। देन कॉमा दिया, कॉमा देने के बाद सम रेंज है, तो सम किसका करना है, डे वन का, डे टू का, डे थ्री का। तो अभी मैं डे टू पर काम कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डे, जैसे मैं डे लिखूंगा डे सारे जो भी ऑप्शन अवेलेबल होंगे इसमें वो खुद आ जाएंगे। देन मुझे डे टू का चाहिए तो टेबल जैसा फोटो होगा, टेबल वाले फोटो पर डबल क्लिक कर दीजिए, हो गया ये। देन ब्रैकेट क्लोज करके मैं सिंपली एंटर करूंगा और एंटर करने के बाद मैं इसको क्विक ड्रैग कर दूंगा। देखिए ये ऑटोमेटिक क्या हो गया, कैलकुलेट हो गया। देखिए कितना इजी और आसानी से हमने इसको कैलकुलेट किया बिना इस टेबल पर गए। देन उसी तरह से डे थ्री का मैं आपको बता दूं, इक्वल टू मैंने सम किया, इफ लिखा, ब्रैकेट ओपन किया, रेंज तो डिपार्टमेंट, तो मैंने डीईपी टाइप किया। देन डिपार्टमेंट में टेबल आया, टेबल पर डबल क्लिक करिए, कॉमा दीजिए, क्वालिटी एश्योरेंस लिया, देन कॉमा दिया, सम में क्या करना है, तो डे थ्री, तो मैंने डे टाइप किया, देन थ्री वाले ऑप्शन पर डबल क्लिक कर दिया, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर और मैंने यहाँ पर सिंपली डबल क्लिक कर। तो देखिए क्विक और इजी तरीके से आप समिफ कर सकते हैं। तो चलिए ये तो था सिंगल कंडीशन, अब हम देखेंगे मल्टीपल कंडीशन। और उससे पहले मैं आपको बता दूं, इसी तरह से आपको बिल्डिंग वाले का भी कैलकुलेट करना है कि नॉर्थ में डे वन में कितने लोगों ने ट्रेनिंग अटेंड किया। तो सिंपली यहाँ पर भी आपको अब क्या करना है, समिफ करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब डिपार्टमेंट का रेंज नहीं चाहिए, अब बिल्डिंग का रेंज चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा बिल्डिंग, बिल्डिंग का आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये ऑप्शन दोस्तों क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन से आ रहा है और ये बहुत ही मजेदार और इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, जिसको आप सीख कर बहुत ही ईजी वे में समिफ का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो डबल क्लिक करिए, कॉमा दीजिए, देन क्राइटेरिया में अब मेरा नॉर्थ हो गया, देन कॉमा देंगे, सम रेंज में किस डे का निकालना है, डे वन का, देन मैं डे वन यहाँ पर लिख दूंगा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। देखिए ये कैलकुलेट हो गया, देन सिंपली मुझे इसको क्या करना है, ड्रैग कर देना है। तो इस तरह से आप सिंपल और इजी वे में अपने कैलकुलेशन को कर सकते हैं, बहुत ही इफेक्टिव ऑप्शन है, इसको जरूर ट्राई करें और इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो मुझसे पूछे। चलिए अब हम देखेंगे समिफ्स के बारे में, यानी कि अगर आपका मल्टीपल कंडीशन होगा तो आप उसको कैसे इवेलुएट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो समिफ्स में बेसिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सिंपली आपको क्या करना है, इक्वल टू देना है, इक्वल टू करने के बाद आपको समिफ्स लिखना है, समिफ्स करके लिखें, देन आपने नेम ऑलरेडी एडिट किया है क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन से, तो आपको सम रेंज देना है। तो सम रेंज यानी कि आप डे वन का निकाल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आपको पूरा डे वन एग्जैक्टली इस तरह से टाइप करना होगा जैसा कि यहाँ शो कर रहा है। तो डे वन लिखें, देन कॉमा दें। जब आप यहाँ पर लिखेंगे तो ये ध्यान दीजिएगा कि आपके पास ये ऑप्शन आना चाहिए,
देन कॉमा देके आपको क्या करना है, क्राइटेरिया वन। क्राइटेरिया यानी कि आपका कंडीशन क्या है। तो देखिए मेरे पास दो कंडीशन है, एक बिल्डिंग और एक डिपार्टमेंट। तो मैं पहले बिल्डिंग का लेता हूँ, तो मुझे यहाँ पे बिल्डिंग टाइप करना है। पूरा टाइप करिए, पूरा टाइप करके आपका जो कलर आएगा वो सेम कलर से आपका वो एरिया क्या होगा सिलेक्शन दिखाएगा, तो ही आपका सही है। अगर सिलेक्शन नहीं दिखा रहा है इट मीन्स आप कुछ गलत कर रहे हैं। देन कॉमा देके इसको लिखे नॉर्थ, उसके बाद कॉमा दिया। देन दूसरा क्या है, डिपार्टमेंट। तो मैं यहाँ पे डिपार्टमेंट लिखूंगा। जैसे मैंने डिपार्टमेंट लिखा, देखिए डिपार्टमेंट सेलेक्ट हो गया। देन कॉमा देके क्वालिटी एश्योरेंस, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। इस तरह से आपका कैलकुलेशन हो गया। देन इसको ड्रैग कर दीजिएगा, ये आपका कैलकुलेट कर देगा। तो दोस्तों सम इफ्स यानी कि मल्टीपल कंडीशन। तो डे वन का डेटा ऐड हो रहा है कहाँ से, तो बिल्डिंग के L3 से और डिपार्टमेंट के M3 से। यानी कि बिल्डिंग जो हो रहा है वो केवल नॉर्थ का देख रहा है और डिपार्टमेंट जो है वो क्वालिटी एश्योरेंस है। इट मीन्स कि क्वालिटी एश्योरेंस का जो आपने नॉर्थ में ट्रेनिंग दिया है वो आपने 13,185 यानी कि 13,184 ट्रेनिंग आपने प्रोवाइड किए एम्प्लॉयज को। देन अगर मेन में बात करें क्वालिटी एश्योरेंस की, तो 11,790 एम्प्लॉयज ने ट्रेनिंग अटेंड किया है। तो इस तरह से आप कंडीशन मल्टीपल देकर भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस को आप यूज करें और इससे रिलेटेड मैंने प्रैक्टिस फाइल आपको प्रोवाइड की है, इसको आप ट्राई करें और जो भी डाउट होता है आप मुझसे जरूर कॉन्टैक्ट करें और डिस्कस करें। सो थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग।